रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम को नए सत्र में स्कूल पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान हमारा छत्तीसगढ़ पुस्तक को फिर से लागू करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष का कहना था कि नए सत्र में हमारा छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक पांचवी से आठवीं के छात्र पाठ्यक्रम में शामिल हो, जिसमें हमारे राज्य की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के बारे में वर्णन किया जाए। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने पुस्तक पर 15 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे स्कूली छात्र छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अनभिज्ञ हैं। वहीं मंत्री टेकाम ने इस बारे में अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तब की कांग्रेस सरकार ने एक हमारा छत्तीसगढ़ के नाम से पुस्तक लॉन्च की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की तमाम संस्कृतियों के बारे में वर्णन किया गया था। इसमें झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में वर्णन किया गया था। चूंकि फिर भाजपा की सरकार है, उन्होंने बुक को बैन कर दिया था। प्रतियोगिता पर इच्छा होती है, इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि छात्रों को बचपन से छत्तीसगढ़ी बारे में नॉलेज नहीं रहता, इस चक्कर में उनके मार्क्स कम आते हैं। हमारी मांग है कि स्कूलों में कक्षा पाँचवीं से फिर से बुक को लागू किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के राज्य के छात्र यहाँ के संस्कृति, कल्चर, पुरातत्व, सब भौगोलिक स्थितियों के बारे में अच्छे जान सके, जिसमें आगे फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कत ना आए। पुराने कोई कोर्स थे तो उसको फिर से लागू करने के लिए ज्ञापन दिए हैं बच्चे लोग। मैं बात करूंगा अधिकारियों से, बात करूंगा, अगर प्रदेश के हित में है और यहाँ की लोगों के हित में, तो उसे करना चाहिए। उसमें देश का अन्नदाता किसान पिछले कई सालों से कुदरत की मार झेल रहा है, लेकिन पन्ना जिले के किसान कुदरत के साथ साथ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गुनौर जनपद पंचायत अंतर्गत पिपरी गोहनी गांव का है, जहां पे पिछले 15-20 दिनों से बिजली न होने के चलते ग्रामीणों की फसलों में पानी नहीं लग पा रहा है और उनकी फसलें सूख रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो लगभग आधा दर्जन किसान खेत की फसल लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाने पहुंचे। परेशानी तो बहुत है सारा, दो मवेशी लोग मर रहे प्यासन, और जो फसल सुखा गई है कोई सुनाई नहीं है। तीन चार दफे गुनौर वालसी के साहब के पास पहुंचे हैं, कोई सुनाई नहीं। हाँ, हाउ 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 रोज की कह देते हैं, और कोई अभी तक है निराकरण नहीं हुआ। किस बात का निराकरण चाह रहे हैं आप? हाथ में फसल लिए हैं, किस बात का निराकरण चाह रहे हैं? हम लाइट के वजह से, लाइट चाहिए हमको, पन्ना नहीं चाहिए, चाहिए। कितनी बार आप आवेदन दे चुके हैं? चार दफे। वहाँ पर लाइट की समस्या है, क्या वहाँ पर दिक्कत है, किस प्रकार से कर्मचारी आप लोगों को कर्मचारी साहब कुंजी लाल वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक दिन हमारे गांव आया, उसने कहा कि कुछ हमको पैसे दो। मैंने पूरे गांव वालों से 500-500 रुपए जुड़वा करके उसको 20,000 रुपए दिए, और उस दिन से आज तक वो फोन नहीं उठाता ना कभी गाँव में आता है। अभी हमारे वहाँ के जेई साहब जो शौर तिवारी जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने जेई साहब को वहाँ पे भेजा है। अच्छा, जेई साहब वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे वोल्टेज की समस्या की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जल्द से जल्द सुधार की कार्रवाई।